दुनिया में आज पैसे से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है। ये सिर्फ एक ताकत ही नहीं, एक जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हर जरूरत को पूरा करके एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। यह किताब ऐसे लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का काम करती है। दोस्तों, हर कोई अमीर बन सकता है क्योंकि भगवान हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह किताब आपको बताती है कि किस तरह आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। किस तरह सभी लोग अमीर बन सकते हैं। भगवान क्यों चाहता है कि आप अमीर बने। अपने काम पर भरोसा करना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर जिंदगी कैसी होती होगी। अगर हाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसों का होना क्यों जरूरी है। अगर नहीं तो आइए देखते हैं कि बिना पैसों के आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं। अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं और अपने मन का ख्याल रखकर आप एक सुकून की जिंदगी जीते हैं। अब अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे। आप अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी किताबें नहीं खरीद पाएंगे और आप अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों से प्यार नहीं जता पाएंगे। हम दूसरों को तोहफा देकर उनसे प्यार जताते हैं। इस तरह से प्यार जताने का तरीका प्यार जताने का सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब अमीर होना इतना जरूरी है तो इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि वे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति तभी अमीर बन सकता है जब वह अमीर घर में पैदा हुआ हो या उसके अंदर कोई पैदाशी हुनर हो। उनका मानना है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में अनंत पैसे नहीं है। यही सोच उन्हें रोक देती है। इस दुनिया में अनंत साधन है। यहाँ की सभी चीजें ओरिजिनल सब्सटेंस के अलग अलग रूप है। जब भी साधन खत्म होने लगते हैं तो ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से उसे पैदा कर देता है। इसलिए यहाँ सभी के लिए बहुत से साधन है जिसका इस्तेमाल कर हर कोई अमीर बन सकता है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत जरूरी है। हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब ओरिजिनल सब्सटेंस के अलग अलग रूप है। वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियाँ, फूल, पहाड़, सब कुछ ओरिजिनल सब्सटेंस की सोच है। अगर ओरिजिनल सब्सटेंस ने उन चीज़ों के बारे में ना सोचा होता तो वो चीज़ें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप भी कुछ सोचकर उन्हें बना सकते हैं या फिर उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं तब ओरिजिनल सब्सटेंस आपकी मेहनत से खुश हो जाता है और वो आपके लिए उस चीज को बना देता है। ठीक उसी तरह जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो ओरिजिनल सब्सटेंस उसे आपको दे देता है। भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सके। वो चाहता है कि आप जिस भी चीज को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे पा लेने के बाद और कामयाब बन जाने के बाद आप अपने साथियों की मदद करें। इसलिए वो आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा अगर आप उसके लिए मेहनत करें। उदाहरण के लिए, भगवान चाहता है कि हर एक म्यूजिशियन के पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी मदद से वो सभी को गाने या म्यूजिक सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव को कम कर सके। इसलिए वो उन अच्छे म्यूजिशियन को सारे इंस्ट्रूमेंट देता है। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको ओरिजिनल सब्सटेंस का आभार भी जताना होगा। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसके लिए शिकायत मत कीजिए बल्कि उन चीजों के लिए ओरिजिनल सब्सटेंस का धन्यवाद कीजिए जो आपके पास पहले से है। आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब जब आप जान गए हैं कि हर एक कामयाबी की शुरुआत एक सोच के साथ होती है तो वक्त आ गया है कि आप उस मंजिल को पाकर खुद को कामयाब बनाने के तरीके के बारे में जानें। इसकी शुरुआत भी एक सोच के साथ होती है। सबसे पहले जो कुछ भी चाहिए
उसका इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बना लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह सोचिए कि वो गाड़ी कौन सी है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और उसे खरीदने के बाद आप सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे। इसका इमेज आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके बाद उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और यह सोचिए कि वो चीज़ आपके लिए पहले से बनाकर रख दी गई है। अगर आप उस तक पहुंच जाए तो उसे ले सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर खुद के भरोसे तय कीजिए। आप किसी के पास अपना काम लेकर मत जाइए और ना ही किसी के भरोसे रहिए। आप अपना सफर खुद के दम पर तय कीजिए। सिर्फ आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, दूसरे आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप किसी से उम्मीद ना करें। इसके अलावा उन लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे कहता है कि यह काम असंभव है तो वो काम उन लोगों के लिए असंभव होगा, आपके लिए नहीं। जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए तब तक आप अपने दिमाग में इसका इमेज लेकर घूमते रहिए। अपनी मंजिल के बारे में सोच लेने के बाद उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज के बनने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। हम जब उस ख्वाब को पाने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो एक मंजिल में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को अपने दिमाग से उतार कर इस दुनिया में लाना है तो आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। काम करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट में रहना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो करना चाहते हैं उसके लिए उसे एक सही माहौल नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आप खुद के लिए एक सही माहौल बनाइए। आप हर रोज काम कीजिए ताकि आप हर रोज अपनी मंजिल के करीब पहुंच सके। रोज काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप हद से ज्यादा काम करें, सिर्फ उतना ही काम करें जितना जरूरी है। ज्यादा काम करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को अपना सब कुछ दे दीजिए। अपने शरीर और मन की ताकत को वहां पर लगा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको वह कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। अगर आपने तय कर लिया है कि आपकी मंजिल क्या है तो उसे टालिए मत, बल्कि उसे पाने के लिए आज से अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। अपने काम में अपने हुनर का भी इस्तेमाल कीजिए। हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो, लेकिन उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों ना वो काम करके अमीर बना जाए जो काम करना आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक हुनर है और आपको उसका इस्तेमाल करना अच्छा लगता है तो समझ जाइए कि आप बहुत आसानी से अमीर बन जाएंगे। आपको बस अपने उस हुनर को बढ़ावा देना है और उसका अच्छा इस्तेमाल करना है, इसलिए आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यह भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपको एक आदर्श की तरह देखने लगेंगे। आपका काम चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, आप हमेशा उसके महत्व को देखिए। यह सोचिए कि उस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं या उनकी किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इस तरह से सोचने पर आप उस काम को ज्यादा ईमानदारी से करेंगे और उसमें इजाफा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने करीब लेकर आएंगे। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ जीत आपकी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भागिए, क्योंकि जिस दिन वो पूरे होंगे दुनिया आपके पीछे भागेगी। तो दोस्तों, ये था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी। आई होप कि ये बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।